एक आदमी मेरे पास आया, बोना नाटा ठिनगा डेढ़ फुट गया उसकी हाई, डेढ़ फुट गया आदमी आया। मुनि जी बहुत दुखी, बहुत दुखी, सब कुछ करके देख लिया, उल्टा सीधा लटक करके देख लिया, लेकिन लेकिन कुछ नहीं होता, मैं बहुत दुखी। देख मैंने कभी, अब तो कुछ हो नहीं सकता, तूने सब कच के देख लिया, अब तो कुछ हो नहीं सकता। मेरे पास भी ऐसा कोई जादू डंडा नहीं है कि जिसकी डंडे की वजह से तुम डेढ़ फुटिया से छह फुटिया हो जाए, ऐसा डंडा मेरे पास भी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। हाँ मगर एक सूत्र मेरे पास है कि तेरा दुख खत्म हो जाएगा। बोले मुनि जी बताइए। मैंने कहा तू इस बात को लेकर के दुखी मत हो कि तू, तेरा कद बहुत छोटा है, बल्कि इस बात को लेकर के तू सुख मना कि बड़ा से बड़ा आदमी भी तेरे सामने सुर शीर्ष झुकाकर बात करेगा, बड़ा से बड़ा आदमी भी तेरे सामने सिर झुकाकर बात करेगा और तू उसके सामने सिर उठाकर बात करेगा। बोले मुनि जी मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा अब सोच लिए, दुख में से सुख खोजने की कला, तरुण सागर जैसे संतों के प्रवचन सुनने के बाद जिंदगी में दुख ना आए ऐसा नहीं हो सकता, तरुण सागर जैसे संतों के प्रवचन सुनने के बाद जिंदगी में तकलीफ ना आए ऐसा नहीं हो सकता, कष्ट ना आए ऐसा नहीं हो सकता। आएंगे दुख तकलीफ कष्ट परेशानी आएंगी, मगर सत्संग में आने से फायदा ये होता है, तेज बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, हम बारिश को बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास छाता है तो तेज बारिश में छाता लगा के निकल जाओ, बारिश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और सत्संग में आने वाले लोगों को भी एक ऐसा ही छाता मुहैया कराया जाता है, अगर वो छाता को लगा लो तो जिंदगी के आधे दुख खत्म हो जाया करते हैं। सत्संग में आने वाले के लिए, सत्संग में आने वाले लोगों के लिए एक ऐसा छाता मुहैया कराया जाता है कि उसको लगा लो तो आधे दुख खत्म हो जाते हैं। एक महिला कह रही थी मुनि जी दुनिया आपको क्रांतिकारी संत कहती है, आप मेरे पति को सुधार दो तो मैं जानूं। अरे मैंने कहा क्या हुआ बहन जी? बोले मुनि जी मैं मंदिर आती हूँ, मेरे पति कभी मंदिर नहीं आते। मैं प्रवचन में जाती हूँ, मेरे पति कभी प्रवचन में नहीं जाते। संत मुनि आते हैं, मैं उन्हें हार प्रदान करके हार देती हूँ, मेरे पति कभी हार नहीं देते। मुनि जी अब आप देखिए, जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मुझे स्कूटर पर बिठा करके मंदिर ले जाते हैं, मंदिर के दरवाजे के सामने स्कूटर खड़ा कर देते हैं और स्कूटर पर ही बैठे रहते हैं, मंदिर के अंदर नहीं आते। मैं बार बार कहती हूँ, रोज कहती हूँ, मैं यहाँ घंटा भर पूजा करती हूँ, वो बाहर घंटा भर इंतजार करते रहते हैं लेकिन मंदिर नहीं आते। मैंने कहा तेरा यही दुख है कि तेरा पति मंदिर में नहीं आता? बोले हाँ भगवान की कृपा से और सब कुछ है, बस एक ही दुख है। तो मैंने उस महिला से कहा बहन इस बात के लिए पति की आलोचना मत कर कि वो मंदिर नहीं आता है, बल्कि इस बात के लिए अपने पति को धन्यवाद दे कि वो तुझे मंदिर जाने से मना नहीं करता है। दुख में से सुख, पति मंदिर नहीं आता है यह दुख है, पति मंदिर नहीं जाता है यह दुख है, सुख क्या खोज लिया, पति मंदिर जाने के लिए मना नहीं करता। मैं कभी दान पुण्य करूं पति मना नहीं करता, मैं मंदिर में आधा घंटा लगाऊं एक घंटा लगाऊं सत्संग करूं पति मना नहीं करता। उस महिला ने कहा मुनि जी ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा अब सोच ले।